हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। डेन कूपर नामक एक व्यक्ति पूरे अमेरिका में हलचल मचा के रख दी थी। उन्होंने एफबीआई को चकमा देते हुए कैसे बच निकले, ये बात है। 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पिछले वाले सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर के जरा सी भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाई। इस इंटरेस्टिंग वाक्य की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक आदमी जो देखने में बिजनेसमैन जैसा लग रहा था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी, ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरियंट का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना। सनग्लास लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डेन कूपर नामी ये पैसेंजर जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाके बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डेन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप थमा दिया। एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस सफनर थी। उसने जब वो चिट्ठी फरी तो जैसे उसकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव ए बॉम हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आके बैठ जाए। फ्लोरेंस सफनर जब डेन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। वेल, जहाज हाईजेक हो चुका था और डेन कूपर की टोटल 3 डिमांड थी। उसको 5 बजे से पहले पहले $2,00,000 कैश, 2 पैराशूट के फेयर और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड की आखिर में उन्होंने फ्लोरेंस सफनर को इनडायरेक्टली ये बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा। डेन कूपर के अलावा इस जगह में 35 पैसेंजर्स थे, जिनको पिछले सीट में होने वाले इस घटना के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फ्लोरेंस सफनर डेन कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मक्लोव था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डेन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो डेन कूपर और पायलट के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिकन हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजेक था जो पैसे के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और एफबीआई ने फैसला किया कि हाईजेकर की सारी डिमांड को पूरी की जाए। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डेन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 58 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गोल गोल चक्कर काटते रहा। बकाया 35 पैसेंजर्स जो इस सारे घटना से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेन को लैंडिंग करने में मुश्किल हो रही है। Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please... इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लास से 2 पैराशूट के जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डेन कूपर को पैसे से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर दे दिए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांग की पूरी करवाने के बाद डेन कूपर ने 45 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गए। डेन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मक्लोव के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजे। वो चाहता था जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप खुले रहे और
एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर, जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल के वजह से पॉसिबल नहीं था, लिहाजा पायलट ने डेन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए दो ऑप्शन दिया, रिनो या फिर फिनिक्स। डेन कूपर रिनो पर राजी हो गए। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रहे थे। दो फाइटर जेट को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रिनो की तरफ रवाना करना था, इतने में डेन कूपर ने पास बैठी तीनों मकलों को कॉकपिट में जाने को कहा, जहाँ दो पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थे। जब तीनों कॉकपिट के दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डेन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डेन कूपर ने वहां से चलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसे आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रिनो में लैंड हुई तो पूरे जहाज को अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कहीं होम मिल सका। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस घटना के बाद डेन कूपर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डेन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिनको आज तक बंद नहीं किया गया। डेन कूपर को किसी ने फ्लिन से कम करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टीयर के स्कूला रह जाने के वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रिनो के बीच में ही कहीं चलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज के सबूत तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की ताई सिगरेट बक्स और दो में से एक पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। किसी के पास उसका फोटो तक नहीं था। पैसेंजर और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डेन कूपर के होली के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कूपर को सिएटल और रिनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एक्जेक्टली कौन से जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट में था, यानी जिस जगह पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था ही, साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डेन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगल और पहाड़ों से घेरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा जान दिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर पैसे। इस पूरी एरिया में इतनी सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डेन कूपर मर गया होगा, लेकिन उनके बाद जो हुआ वो FBI के दिमाग में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डेन कूपर के स्केच और $2,00,000 के सीरियल नंबर भी अखबारों में छपाया गया और डेन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस सीरियल नंबर की एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। वेल, मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सत्रन वाशिंगटन में कोलंबिया रिवर किनारे एक बीच है जिसको तीनाबार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों के 3 बंडल मिले। ये $20 के नोटों के बंडल थे। बच्चे के पेरेंट्स से पैसे लेकर FBI के पास गया जो टोटल $5,800 बनते थे। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डेन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी। लेकिन बजाय उसको सॉल्व करने के इस वाकये में
केस को और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन से लुइस रिवर में ये पैसे डेन कूपर से ही गिरे होंगे और वहाँ से बहते हुए कोलंबिया रिवर तक आए होंगे। लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबिया रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर तीना बार बीच तक किसी भी सूरत तक नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना बल्कि तीना बार बीच जहाँ से ये पैसे बरामद हुए थे, यह 1974 कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजेकिंग के 3 सालों के बाद तीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता है कि डेन कूपर या फिर उनके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद तीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई कातिर का सुराग ना मिल सका। कई थ्योरीज ये बताती है कूपर शायद कोई ट्रेंट मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही चोर कर गया था। 1980 $5,800 कैश मिलने के अलावा बाकी 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पे FBI के पास डेन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डेन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI वेबसाइट पर इस केस के तमाम डिटेल मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे, टिल देन जय हिंद।